Hey everyone, welcome back to another video of Explore the Biology. आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड देयर पॉलिनेटिंग एजेंट को लर्न करेंगे. ये डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक के टेक्स्ट बुक से उठाया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. फर्स्टली वी टॉक अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर विन पॉलिन फ्रॉम द एंथर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. मीन्स की मतलब कि जो पॉलिन की ट्रांसफर होगी वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर से होगी. लाइक फर्स्टली ऑटोगैमी की बात करें तो पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो ऑटोगैमी का एग्जाम्पल हो गया. एंड नेक्स्ट वन इज जिटोनोगैमी, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. एंड जो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से जो पॉलिनेशन होती है डैट्स आर कॉल्ड जिटोनोगैमी. एंड अब नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर व्हेन पॉलिन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलिन की ट्रांसफर होती है वन फ्लावर के एंथर से दूसरे डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होती है. सो लाइक जैसे हो गया जीनोगैमी. जीनोगैमी में पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. स्पीसीज सेम होगा बट फ्लावर इसमें चेंज होगा. एंड दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. प्लांट ए एंड प्लांट सी वाली एग्जाम्पल है, डैट्स रिप्रेजेंट जीनोगैमी. एंड लास्ट टॉपिक इज पॉलिनेटिंग एजेंट. तो पॉलिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाई वेरियस एजेंट विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू ई बायोटिक एंड ई बायोटिक एजेंट्स. एग्जाम्पल हो गया ग्रासेस, बीज, बटरफ्लाई एंड विंड्स. मैंने अपने चैनल पे बायोटिक एंड ई बायोटिक के डिफरेंसेस को समझाया था. सो वहाँ से जाके आप बायोटिक एंड ई बायोटिक को क्लैरिफाई कीजिए. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ई बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट में विंड एंड वाटर आएगा, जिसमें विंड को बोलते हैं एनिमोफिली. पॉलिनेशन जो विंड कराती है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं. लाइक इसमें एग्जांपल हो गया ग्रासेस. एंड वाटर से जो पॉलिनेशन होती है वो हाइड्रोफिली होती है. एंड पॉलिनेशन बाय वाटर एग्जांपल हो गया वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला. नेक्स्ट बात करते हैं बायोटिक एजेंट की. तो बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स इसके एग्जांपल्स हैं. इंसेक्ट को हम एंटोमोफिली बोलेंगे, जो कि पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा. लाइक एग्जांपल हो गया बीज एंड बटरफ्लाइज. सेकेंड में आएगा बर्ड्स, जिसको ऑर्निथोफिली बोलेंगी. पॉलिनेशन जो बर्ड्स कराएगी, जिसमें एग्जाम्पल है ह्यूमिंग बर्ड्स. एंड थर्ड वन इज जो कि पॉलिनेशन बैट्स से होगी, उसका एग्जाम्पल है अगेव हो गया. And flowers have various adaptation to attract pollinators, such as bright color, scent, nectar, specific shapes that facilitate effective pollination. यानी कि मीन्स की फ्लावर को अपने एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको ब्राइट कलर एंड सेंट नेक्टर प्रोवाइड करना होगा, तभी पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक पॉलिनेटर उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे. किससे? फ्लावर से. उसको पॉलिनेशन कराने में हेल्प एंड फैसिलिटेट करेंगे. मेरे नेक्स्ट शॉर्ट्स एंड नेक्स्ट वीडियो पे चेस्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस को हम लर्न करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.